खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च किया था। 78 लोगों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक पैदल गए और समुद्र किनारे नमक हाथ में लेकर अंग्रेजों का कानून तोड़ा। आज उसी नमक आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा। ये ब्लॉग तब पब्लिश हुआ जब पूरी की पूरी कांग्रेस अहमदाबाद में उसी साबरमती आश्रम में थी। पीएम मोदी ने ब्लॉग का विषय तो दांडी यात्रा को बनाया, लेकिन उसके केंद्र में कांग्रेस पर हमला ही था। आपको पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला दिखाया है, उससे पहले उसकी 5 हेडलाइंस फटाफट से देखिए। दांडी यात्रा की 89वीं सालगिरह पर कांग्रेस और बीजेपी में गांधी जी को अपना बताने की होड़ लगी। सीडब्ल्यूसी बैठक से पहले कांग्रेस का साबरमती आश्रम में प्रार्थना सभा का कार्यक्रम, राहुल, प्रियंका, सोनिया समेत सारे बड़े कांग्रेसी नेता पहुंचे। पीएम मोदी ने गांधी जी की दांडी यात्रा पर एक ब्लॉग लिखा। ब्लॉग के जरिए कांग्रेस के परिवारवाद पर निशाना साधा। पीएम ने लिखा कि बापू को कांग्रेस का संस्कार पता चल गए होंगे, इसीलिए 1947 के बाद ही वो करना चाहते थे पार्टी को भंग। कांग्रेस की ओर से अहमद पटेल का मोदी पर निशाना। कहा, 5 सालों से कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए बापू के नाम पर ब्लॉग लिख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आज की खबर है और विषय है बापू किसके, देश के, कांग्रेस के या बीजेपी के। दांडी यात्रा को आज 89 साल पूरे हुए तो कांग्रेस ने 58 साल बाद गुजरात में आज सीडब्ल्यूसी की बैठक की और आज ही पीएम मोदी ने नमक आंदोलन के नाम पर कांग्रेस की राजनीति पर नमक डालने की कोशिश की। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता जब गांधी जी और सरदार पटेल को याद कर रहे थे, उसी वक्त पीएम मोदी ब्लॉग से निशाना साध रहे थे। क्या आपको पता है कि दांडी यात्रा की योजना बनाने में मुख्य भूमिका किसकी थी? वो महान सरदार पटेल थे जिन्होंने 390 किलोमीटर लंबी दांडी यात्रा के प्रत्येक मिनट की योजना बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। गांधी जी ने अपने काम के जरिए बताया कि वे असमानता और जातिगत भेदभाव पर विश्वास नहीं करते। दुखद है कि कांग्रेस ने समाज को बांटने में कभी संकोच नहीं किया। गांधी जी कांग्रेस की संस्कृति को भली भांति समझ चुके थे, इसलिए ही वो कांग्रेस को भंग करना चाहते थे, खासकर 1947 के बाद। पीएम ने ब्लॉग में गांधी जी के जरिए परिवारवाद पर भी हमला किया। एक बार महिला मजदूरों से बात करते हुए बापू ने कहा, मुझे देश के तथाकथित बड़े नेताओं के बारे में शिकायतें मिल रही हैं कि वो अपने बेटों के जरिए पैसे बना रहे हैं। भाई भतीजावाद में बढ़ोतरी भी भ्रष्टाचार है और मुझे इस बारे में कुछ करना चाहिए। अगर ये सच है तो मैं यही कह सकता हूँ कि हम अपने दुर्भाग्य के चरम पर हैं। बापू परिवारवादी राजनीति को तिरस्कार की नज़र से देखते थे, लेकिन आज कांग्रेस के लिए परिवार पहले है। पीएम ने ब्लॉग में कांग्रेस की नीयत, नीति और राजनीति पर इतना हमला बोला कि बापू से ज्यादा बार कांग्रेस का जिक्र कर बैठे। ब्लॉग 659 शब्दों का है, जिसमें 16 बार कांग्रेस या कांग्रेस जन शब्द का इस्तेमाल किया गया, जबकि 9 बार बापू लिखा और 5 बार गांधी जी, यानी 14 बार बापू का जिक्र आया। ब्लॉग को लेकर अहमद पटेल ने पीएम पर निशाना साधा, लिखा, पिछले 5 सालों में कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए बापू के नाम पर ब्लॉग तो लिख रहे हैं, लेकिन मैं उनको याद दिला दूं कि जिस समय दांडी यात्रा निकाली गई थी, आपके गुरुजनों ने इस यात्रा का विरोध किया था। कांग्रेस गुजरात से नरेंद्र मोदी को खास चोट पहुंचाना चाहती है, इसीलिए 1961 के 58 साल बाद गुजरात में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी बैठक हुई। बैठक से पहले साबरमती आश्रम में प्रार्थना सभा रखी गई। सीडब्ल्यूसी के बाद अडालज में राहुल और सोनिया ने सभा की। अगर ये देश बना है तो महात्मा गांधी और गुजरात ने इस देश को बनाया। अब जरा गुजरात की लड़ाई का रिजल्ट देख लीजिए। 2014 लोकसभा चुनावों में सभी 26 सीटें बीजेपी को मिली, कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा। 1984 में कांग्रेस ने पहली और आखिरी बार सबसे ज्यादा 24 सीटें जीती थी, बीजेपी को 1 सीट मिली। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 99 तो कांग्रेस को 77 सीटें मिली। राहुल गांधी इसी बढ़त को लोकसभा में भी भुनाना चाहते हैं और पीएम मोदी को गुजरात से झटका देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। इस चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन में जुटे हैं। ये देखिए, मैंने चौकीदार शब्द बोला। हर भ्रष्ट को मोदी से कष्ट है।
तो पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से सुबह 8:34 पर ये ट्वीट किया, जब एक मुट्ठी नमक ने अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया। जिक्र जैसा पहले बताया बापू का था और निशाना गांधी परिवार पर था। 28 लाइनों में अपने ब्लॉग में महज 3 बार उन्होंने अपनी सरकार के काम का जिक्र किया और यही सवाल आज का मास्टर स्ट्रोक है, अपने काम से ज्यादा कांग्रेस की कमी पर जोर क्यों? ये सवाल भी है और मास्टर स्ट्रोक भी।